गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड, दिस इज योर साइंस क्लास। हम पढ़े हैं बेटा प्लांट्स के बारे में और हमारा आज का टॉपिक है क्रीपर्स। क्रीपर्स हम उन पौधों को कहते हैं जो बेटा ऊपर नहीं बढ़ पाते हैं, बड़े नहीं होते हैं, ये ग्राउंड पे ही फैल के रहते हैं। ये लंबे जैसे आपका ट्री है, उनके स्टेम काफी मजबूत होते हैं और वो बड़े होते हैं, लंबे होते हैं। ये ऐसे नहीं होते हैं। क्लाइंबर भी आपका ऐसा होता है बेटा कि अगर उसको किसी की सहारे की जरूरत होती है, अगर उसे सहारा मिला तो क्लाइंबर प्लांट भी लंबे होते हैं, बड़े होते हैं। बट ये क्रीपर जो होते हैं बेटा, अगर इन्हें सहारा भी दिया जाता है तो ये ऊपर नहीं चढ़ पाते, क्योंकि इनके जो फ्रूट्स होते हैं बेटा वो बहुत ही बड़े होते हैं, बहुत ही हैवी होती हैं। इसलिए ये क्या करते हैं, ग्राउंड पे ही फैलते हैं। इनके जो स्टेम होते हैं वो ग्राउंड पे ही फैलते हैं, फिर इनकी लीव्स, इनके फ्रूट्स जो होते हैं, हर एक चीज जो होती है वो ग्राउंड पे होती है। ठीक है, क्रीपर्स सम प्लांट्स विथ वीक स्टेम ग्रो अलोंग द ग्राउंड। सम प्लांट्स मीन्स बेटा कुछ पौधे, विथ मीन्स साथ, वीक स्टेम मीन्स कमजोर तने, ग्रो मीन्स बढ़ते हैं, अलोंग द ग्राउंड, ग्राउंड पे। वो क्रीपर जो होते हैं बेटा वो अपने कमजोर, वीक मीन्स कमजोर, स्टेम ग्रो अलोंग द ग्राउंड, वो अपने कमजोर तने के साथ में ग्राउंड पर ही फैलते हैं, जमीन पर ही फैलते हैं, और जमीन पर ही उनके फ्रूट्स, फ्लावर्स, लीव्स, स्टेम, हर एक चीज उनके कहाँ होते हैं, जमीन पे ही होते हैं। वो अगर उन्हें किसी का सहारा भी दिया जाए, मान लीजिए हमने स्टिक का सहारा दिया, उसे नेट का सहारा दिया, तो भी वो ऊपर क्या होते हैं, नहीं चढ़ सकते हैं। ठीक है, दे आर कॉल्ड कीपर्स, इन्हें हम क्या कहते हैं, क्रीपर्स कहते हैं। इन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, क्रीपर्स कहते हैं। ये देखें यहाँ पे पंपकिन प्लांट है, वॉटर गोर्ड प्लांट है, वैसे ही आपका हो गया वाटर मेलन प्लांट है। ये सब प्लांट आपके कौन से होते हैं, क्रीपर्स होते हैं। ओके, अ प्लांट्स हैज मेनी पार्ट्स, एक प्लांट के पास जो मेनी पार्ट्स होते हैं, कई बहुत ही ढेर सारे पार्ट्स होते हैं। मोस्ट प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड, ज्यादातर प्लांट्स होते हैं वो किससे ग्रो करते हैं, सीड से, बीज से ग्रो करते हैं। वो ज्यादातर प्लांट्स बीज से ही बढ़ते हैं। एक प्लांट के पास बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और ज्यादातर प्लांट जो होते हैं वो सीड से ही ग्रो करते हैं। बिग एंड टाल प्लांट्स विथ स्ट्रॉन्ग स्टेम आर कॉल्ड ट्री, बड़े और लंबे पेड़, मोटे, जो मोटे तने के साथ होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पेड़ कहते हैं। बड़े, लंबे और मोटे तने वाले पेड़ को हम क्या कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टेम वाले को हम क्या कहते हैं बेटा, पेड़ कहते हैं। स्मॉल प्लांट्स विथ शॉर्ट वुडी ब्रांचेस आर कॉल्ड श्रब, स्मॉल प्लांट्स छोटे पौधों के साथ शॉर्ट वुडी ब्रांचेस, जिनके साथ होती है छोटी टहनियां होती हैं, आर कॉल्ड श्रब, उन्हें हम क्या कहते हैं, श्रब्स कहते हैं। जिनके पास छोटी छोटी टहनियां होती हैं, उन्हें हम जमीन से ही, उनकी उनके स्टेम बहुत ही पतले होते हैं और वो जमीन से ही उनकी छोटी छोटी टहनियां की तरह निकलते हैं, उन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, श्रब कहते हैं। इसमें आपके रोज प्लांट आते हैं, मेहंदी प्लांट आते हैं। वेरी स्मॉल प्लांट्स विथ सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स, वेरी स्मॉल प्लांट्स, बहुत ही छोटे पौधे विथ सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम, जिनके जो तने होते हैं वो सॉफ्ट और हरे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, हर्ब्स कहते हैं। क्लाइंबर्स हैव वीक स्टेम एंड नीड सपोर्ट टू ग्रो स्ट्रेट, क्लाइंबर्स हैव वीक स्टेम, क्लाइंबर्स के पास वीक स्टेम, कमजोर तने होते हैं, एंड नीड सपोर्ट टू ग्रो स्ट्रेट, और उन्हें बड़ा होने के लिए, उन्हें लंबा होने के लिए, बढ़ने के लिए किसी सपोर्ट की जरूरत होती है, किसी सहारे की जरूरत होती है। ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, क्लाइंबर बोलते हैं। कीपर्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड,
कीपर्स जो होते हैं वो जमीन पे फैलते हैं अलोंग जमीन पे, अपने तने के साथ जमीन पे ग्रो करते हैं। आइए आपका क्लास वर्क देखते हैं। आज का आपका क्लास वर्क है बेटा, व्हाट आर कीपर्स कॉल्ड, कीपर्स किसे कहते हैं। ठीक है, सम प्लांट्स विथ स्टेम ग्रो अलोंग द ग्राउंड दे आर कॉल्ड क्लीपर्स। कुछ पौधे जो अपने तने के साथ जमीन पे फैले होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रीपर्स कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, कीपर्स कहते हैं। और आपका होमवर्क है राइट द नेम ऑफ थ्री कीपर्स। क्रीपर आपको थ्री क्रीपर्स के क्या करने हैं, नेम लिखने हैं। मैंने अभी आपको पढ़ाया तो बहुत ढेर सारे क्रीपर्स के नेम बताए थे ना, आप उसमें से ही थ्री क्रीपर्स के नेम लिख सकते हैं। कुछ भी लिख सकते हैं आप थ्री क्रीपर्स के नेम में। ओके चिल्ड्रेन, थैंक यू।